हाय, कैसे हैं आप? मैं स्टडी फॉर ऑल से शानू, सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि अभी हाल ही में गेम हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप, जो विश्व का सबसे माना जाने वाला सबसे फेमस गेम है, फीफा विश्व कप, ना कि क्रिकेट। क्योंकि आजकल लोग क्रिकेट समझते हैं, लेकिन सबसे फेमस गेम जो माना जाता है वो फुटबॉल होता है। फुटबॉल में क्या फीफा विश्व कप क्वेश्चन पूछा जाता है? मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर दिए हैं, जिससे मैं आपको समझा सकूँ सिर्फ, और अच्छे से आप समझ जाएँ, कम समय में समझ जाएँ, और अच्छे से आप इसको राइट डाउन कर दिएगा। हो सकेगा तो आप स्क्रीन शॉट ही लीजिएगा। और ये श्योर है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा फीफा विश्व कप से, कि जो जितने जब 2014 हुआ था, का जब फीफा विश्व कप हुआ था, तो उसमें भी कई सारे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज़्यादा देर न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन हो जाएगा, इस बार का जो फीफा विश्व कप हुआ है, इस बार का जो फीफा विश्व कप हुआ है वो किस देश में हुआ है? तो इस बार का फीफा विश्व कप किस देश में हुआ है? तो रूस में हुआ है। तो इस बार का फीफा विश्व कप कहाँ हुआ है? तो रूस में हुआ है, जैसे रशिया बोलते हैं इंग्लिश में। किस बार का था? तो 2018 का। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फीफा विश्व कप था, किस नंबर का? तो 21वां फीफा विश्व कप था। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो फीफा विश्व कप था ये किस नंबर का विश्व कप था? तो आएगा 19, 20, 21, 22। तो आप लगाएंगे 21वां फीफा विश्व कप था, यानी इससे पहले 20 फीफा विश्व कप हो चुके हैं, ये 21वां फीफा विश्व कप था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर एक क्वेश्चन अलग से पूछ ले कि पहला विश्व कप कब हुआ, तो पहला विश्व कप सन 1930 में हुआ। तो पहला विश्व कप किस वर्ष हुआ? सन 1930 में हुआ। अगर पूछ लेगा कि इस विश्व कप को किस देश ने जीता, तो उरुग्वे नामक देश ने जीता। क्वेश्चन हो जाएगा, पहला वर्ल्ड कप, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, सी मतलब कप, पहला फीफा विश्व कप कब हुआ? 1930 में। किस देश ने जीता? उरुग्वे ने जीता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इस बार का फीफा विश्व कप कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ, ये 2018 का था, लेकिन कौन किस नंबर का फीफा विश्व कप था? 21वां। तो इस बार का फीफा विश्व कप जो हुआ 21वां। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा सीधे दिख रहा है आपको, जो आगामी आगामी मतलब आने वाला जो फीफा विश्व कप है वो कब होगा? तो आपको पता है हर 4 साल में आता है विश्व कप, हमें हर 4 साल में आता है। तो 2018 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 2022 हो जाएगा, 2018 4 2022। यानी जो आगामी विश्व कप होगा, आगामी विश्व कप होगा वो किस वर्ष होगा? सन 2022 में। पूछा जाएगा उसकी मेज़बानी या होस्ट कौन करेगा, तो उसकी मेज़बानी करेगा कतर। कतर है, एक सुना होगा खाड़ी वाला देश है। कतर कैसा देश है? खाड़ी वाला देश। क्वेश्चन पूछेगा, जो 21वां इस बार हुआ है, तो अगला जो विश्व कप होगा वो कौन सा होगा? 22वां संस्करण होगा, 22वां नंबर का फीफा विश्व कप होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? कतर में होगा। कब होगा? 2022 में। तो 22वां फीफा विश्व कप कहाँ मनाया, कहाँ पे होगा? तो 22वां फीफा विश्व कप कतर में होगा, जो कब होगा? 2022 में होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार का फीफा विश्व कप जो हुआ, खेल हुआ, फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप हुआ, वो कब से कब तक चला? तो फीफा विश्व कप की शुरुआत आरंभ जो हुआ था 14 जून से आरंभ हुआ, और एंड क्या हुआ? 15 जुलाई। तो 1 महीना 1 दिन लगभग चला। तो फीफा विश्व कप जो इस बार शुभारंभ हुआ वो 14 जून से शुभारंभ हुआ, और कब तक चला? ये 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई को फाइनल खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आता है कि इस फीफा विश्व कप में कुल कितने मैच खेले गए? तो कुल मैचों की संख्या 64 थी। अगर पूछे कुल कितनी टीम ने भाग लिया, सम्मिलित हुई, तो इस फीफा विश्व कप जो रूस में खेला गया, जिसकी मेज़बानी रूस ने किया, उसमें कुल 32 टीमें ने भाग लिया, और कुल इसमें 64 गेम खेले गए। तो 32 × 64, तो कुल टीमें कितनी भाग ली? तो 32 भाग ली। अगर क्वेश्चन पूछेगा किसने मैच खेले गए, तो टोटल मैचेस जो खेले गए, कुल मैचेस जो खेले गए, 64 खेले गए। अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इसमें क्या होता है, इसमें जो 31 है जो होते हैं, ये बटा होता है 31 + 1 में। 32 किस में बटा हुआ है? ये हमेशा 31 + 1 में बटा हुआ है। जितने भी मैच टीम होंगे वो 2 भाग में बटे होंगे, प्लस वन में और जितने भी हो। तो 32 जो बटा था, 31 + 1 में बटा हुआ। 31 में जो टीम ऐसे खेली थी, 31 मैच में जो टीम ऐसे खेली थी जिन्हें क्वालिफाइंग मैच खेलना पड़ा था वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। वर्ल्ड कप में क्या करने के लिए? क्वालिफाई मतलब
हाथ जगह बनाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए उनको क्वालिफाई मैच खेलना पड़ा था। ये जो 31-31 टीम थी, जो एक टीम थी उसको विश्व कप नहीं खेलना पड़ा था, जो उसकी मेज़बानी कर किया, यानी कि जो मेज़बानी करता है देश वो विश्व कप के लिए क्वालिफाई मैच नहीं खेलता है, उसकी एंट्री पहले से होती है। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाए, मान लीजिए रूस जो इस बार की मेज़बानी की इस फीफा विश्व कप की, अगर इसको अगर ये भी क्वालिफाई मैच खेलती है, अगर बाहर हो जाती तो उसका गलत निगेटिव प्रभाव हो जाता है, क्योंकि रूस में ही हो रहा है और रूस पहले ही अगर बाहर हो गए तो दिक्कत हो जाता। तो जब भी कहीं भी होगा, यानी अब आगामी जो विश्व कप होगा कतर में होगा 2022 में, तो अगर कतर की टीम खेलेगी तो कतर को क्वालिफाई मैच नहीं खेलना होगा, वो पहले से क्वालिफाई रहेगी। जैसे कि इस बार का जो रूस में खेला गया, तो रूस को पहला जो उसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि रूस इस बार क्या कर रहा था, मेज़बानी कर रहा था इस फीफा विश्व कप की। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कुल गोल कितने हुए इस फीफा विश्व कप में, तो 169। तो कुल गोल कितने हुए, 169, यानी 169। क्वेश्चन पूछा कुल कितने मैच खेले गए विश्व कप में, तो 64। कुल कितने टीमों में सम्मिलित लिया, 32। 31 टीमें हुए थी जो जिसे क्या खेलना पड़ा, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई मैच खेलना पड़ा। एक टीम जो थी जिसे क्वालिफाई मैच नहीं खेलना पड़ा, उस टीम का नाम है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कुल कितने गोल हुए, तो 169 गोल हुए। सर्वाधिक गोल किस देश ने किया, तो सर्वाधिक गोल जो थे उस वो किस टीम ने किया, तो बेल्जियम की टीम ने किया। क्वेश्चन पूछा कितने गोल किया, तो 16 गोल किया। तो क्वेश्चन पूछा कुल कितने मैचेस खेले गए, टोटल मैचेस सॉरी कुल गोल कितने हुए, तो 169 गोल हुए। क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक गोल किस कंट्री के टीम ने किया, तो बेल्जियम की टीम ने किया। कुल कितने गोल किया, 16 गोल किया इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आएगा कि इस बार की विजेता कौन रही, मतलब कौन जीता फीफा विश्व कप का, विजेता कौन रहा, यानी विनर कौन रहा, तो विनर था फ्रांस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस फीफा विश्व कप का विनर कौन था, यानी विजेता कौन था, फ्रांस। और फ्रांस का इस बार का दूसरा विश्व कप जीता है, इस 2018 में जो जीता है, इससे पहले एक बार और जीता है। कुल मिला के विश्व फ्रांस दो बार जीत चुका है, इससे पहले ये 1998 में जीत चुका था। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस जो जीत इस बार की विजेता टीम कौन थी, जो 2018 का फीफा विश्व कप खेला गया, तो उसकी विजेता टीम थी फ्रांस, जो दो बार जीत चुकी थी। इससे पहले कब जीती, 1998 में, और इस बार तो जीती 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा उपविजेता मतलब रनर अप, जो फाइनलिस्ट जो होते हैं, जो जीत एक तो जीतती है, एक जो होती है जो हार जाती है, एलिमिनेट होती है, उसको क्या होता है रनर अप, यानी उपविजेता कौन रही, तो आपने सुना होगा क्रोएशिया। बताइए क्रोएशिया, इसके बारे में आपने सुना होगा, लगभग 50 लाख की आबादी वाला देश है, लगभग बहुत ही कम आबादी पाई जाती है इस देश ने, लेकिन देखिए ये फीफा विश्व कप के फाइनल में बड़ी से बड़ी टीमों को इसने टक्कर दी और हराया, अर्जेंटीना जैसे टीम को हराया इसने। तो क्रोएशिया जो कि बहुत अच्छा चैंपियन जैसा ही खेली। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइनलिस्ट दो कौन थे, तो फ्रांस थे, क्रोएशिया थे। फ्रांस ने किसको हराया, क्रोएशिया को, तो फ्रांस क्या बनी विश्व कप की विजेता बनी, यानी विनर बनी, और क्रोएशिया क्या बनी रनर अप, मैंने उपविजेता बनी, और इनको 4-2 से हराया। 4 गोल किसने दागे, फ्रांस ने किए, और 2 गोल किसने किए, क्रोएशिया ने किए। तो बताइए क्वेश्चन अगर पूछा गया कि कितने गोल से अंतर था फाइनल में, तो 4-2 से जीता फ्रांस ने, यानी 4 गोल फ्रांस ने किए और 2 गोल क्रोएशिया ने किए। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक गोल के लिए, क्वेश्चन पूछा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक गोल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। सर्वाधिक गोल के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। इस सर्वाधिक गोल यानी अब क्वेश्चन और आ गया, सर्वाधिक गोल किसने किए, तो इस बार का सर्वाधिक गोल हैरी केन ने किया। क्वेश्चन में जाएगा सर्वाधिक गोल किसने किया, हैरी केन ने किया, जो कि किस देश के खिलाड़ी थे, इंग्लैंड के, और जो कि इंग्लैंड के कौन थे, इंग्लैंड के कप्तान थे। तो क्वेश्चन में सर्वाधिक गोल किसने किया, हैरी केन ने। हैरी केन कौन थे, किस देश के खिलाड़ी थे, इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के कौन थे, कप्तान थे। तो उम्मीद करता समझ में आएगा। इन्होंने कुल कितने गोल किया, तो इन्होंने 6 गोल किया। तो हैरी को ने 6 मैच में
6 गोल किए। तो क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक गोल के लिए कौन सा फीफा विश्व कप में अवार्ड दिया जाता है? गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। तो सर्वाधिक गोल जो मैक्सिमम गोल करता है उसको गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। ये कारनामा किसने किया? हैरी केन ने किया। ये किस देश के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। और इंग्लैंड खिलाड़ी के साथ साथ ये कप्तान, सॉरी कप्तान थे। और इन्होंने कितने गोल किए? तो 6 गोल किए, लेकिन कितने मैचेस में? 6 मैच में इन्होंने 6 गोल किए। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले आपके हैरी केन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बेस्ट प्लेयर, सबसे बेस्ट प्लेयर किसे माना जाता है? अब ये पूछेंगे सबसे बेस्ट प्लेयर तो ये हो सकते हैं, सर्वाधिक गोल किया तो बेस्ट प्लेयर हुए हैरी केन, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किया शुरू से लेकर अंत तक उसे बोला जाता है बेस्ट प्लेयर। तो बेस्ट प्लेयर शुरू से लेकर एंड तक। अच्छा, बेस्ट प्लेयर के लिए कौन सा अवार्ड दिया था? ऐसे पूछा गया सर्वाधिक गोल के लिए कौन सा अवार्ड दिया था, तो गोल्डन बूट। अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट प्लेयर के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो गोल्डन बॉल। तो प्लेयर, बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, फीफा विश्व कप में बेस्ट प्लेयर के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। ये कारनामा ये किसको मिला गोल्डन बॉल अवार्ड? तो ल्यूका मॉड्रिच को मिला, ल्यूका मॉड्रिच को मिला। ये क्वेश्चन पूछेगा ये कौन थे, तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? क्रोएशिया के। तो क्वेश्चन पूछेगा बेस्ट प्लेयर के लिए फीफा विश्व कप में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। अब गोल्डन बॉल अवार्ड पूछेगा फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता, तो ल्यूका मॉड्रिच ने जीता, जो किस देश के खिलाड़ी थे? क्रोएशिया के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा, पहला विश्व कप मैंने बता दिया खेला गया 1930 में, और किस देश ने जीता? उरुग्वे ने। और उरुग्वे अब तक 2 बार विश्व कप जीत चुकी है, 2 बार की विश्व जेता ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेस्ट गोल कीपर, आपने सुना हो जो पहनते हैं वो बचाते हैं, डिफेंड करते हैं, बचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बेस्ट गोल कीपर जो गोल होने से बचाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेस्ट, सॉरी, गोल कीपर बोलते हैं। तो इस बार का बेस्ट, इस फीफा वर्ल्ड कप 2018 का बेस्ट गोल कीपर कौन था? तो थीबॉट कॉर्टोइस। इनका बहुत नाम हुआ इस बार, बहुत फेमस हो गए। तो इनका नाम क्या था? थीबॉट कार्टोस। तो बताइए, इस क्वेश्चन पूछेगा बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड किसे दिया गया? थीबॉट कार्टोस। क्वेश्चन बताता है बेस्ट गोल कीपर के लिए, बेस्ट गोल कीपर के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? जैसे क्वेश्चन में सर्वाधिक गोल के लिए गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है, तो बेस्ट गोल कीपर के लिए गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया जाता है। देखते होंगे गोल कीपर ग्लव्स पहनते हैं, तो उसका नाम ही होता है इस का नाम गोल्डन ग्लव्स। ग्लव्स का मतलब दस्ताना। देखते हैं उसे डिफेंड करते हैं, रखते हैं। तो बेस्ट गोलकीपर के लिए कौन सा अवार्ड दिया था फीफा विश्व कप में? गोल्डन ग्लव्स दिया जाता है, जो किसे मिला? थीबॉट कार्टोइस को दिया गया। ये किस देश के थे? तो ये क्वेश्चन पूछेगा, बेल्जियम का नाम सुना होगा। तो गोल्डेस थीबॉट कार्टोइस किस देश के खिलाड़ी थे, किस टीम के थे? तो किस देश के? तो बेल्जियम के थे। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन डिफेंड किया अगेंस्ट टीम के। अब क्वेश्चन पूछेगा फीफा, इस बार का जो फीफा विश्व कप 2018 में हुआ उसका शुभंकर, मतलब शुरुआत करने वाला किसने किया? जिस शुभंकर को इंग्लिश में बोलते हैं मॉस्कट, मॉस्कट कौन था, शुभंकर कौन था? तो जाबी वाका थे, जाबी वाका। तो क्वेश्चन पूछेगा इस बार का शुभंकर कौन था? तो जाबी वाका। जाबी वाका क्या है? क्वेश्चन पूछेगा फीफा विश्व कप 2018 का शुभंकर, जिसे मॉस्कट बोलते हैं, उसका जो शुभंकर था वो कौन था? तो जाबी वाका, जाबी वाका। इस पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया? जाबी वाका क्या था? एक प्रकार का भेड़िया, तो इससे ये शुभंकर था इस फीफा विश्व कप। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फीफा विश्व कप 2018 का शुभंकर मास्कट कौन था? तो जाबी वाका। ये क्या था? एक प्रकार का भेड़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार खेली, जो पहली बार क्या खेली? वर्ल्ड कप, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड, सी फॉर कप। पहली बार वो कौन सी टीम थी जो वर्ल्ड कप मतलब विश्व कप खेली? तो पनामा। तो 2 टीमें खेली इस बार विश्व कप पहला, इस बार के जो 2018 का विश्व कप खेला गया उसमें 2 टीमें ने भाग लिया, नई थी। तो उस नई टीम का नाम क्या था जो इस बार खेली? पनामा। दूसरा आइसलैंड, आइसलैंड बहुत ही बहुत ही अच्छा खेली इस बार, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछेगा पहली बार वो कौन सी टीम में थे जिन्होंने विश्व कप 2018 का जो विश्व कप था, वर्ल्ड कप था, वो खेला? तो पहला देश का नाम था पनामा, दूसरा देश का नाम था आइसलैंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड, क्वेश्चन बताता है बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड का खिताब किसे दिया गया? तो काइलियन, काइलियन काय
लियन, काइलियन मेवापे को जाता है। इस बार के बेस्ट यंग प्लेयर, यंग मतलब सबसे युवा जो प्लेयर जिसे चुना गया, बेस्ट जो इसने ऐसे युवा प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर जिसने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया, जो बहुत ही यंग था, उसका नाम था काइलियन मेवापे, जो किस देश के थे, फ्रांस के, और इनकी उम्र महज 19 साल की थी, 19 साल की एज थी। तो क्वेश्चन पूछा गया बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया, काइलियन मेवापे को दिया गया, जो किस देश के थे, जो फ्रांस के थे, कितने साल की उम्र थी, लगभग 19 साल की, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछता है फेयर प्ले अवार्ड, फेयर का मतलब साफ़ सुथरा, और कौन सी टीम थी जिसने अपना आपा नहीं खोया, बहुत साफ सुथरा खेला, इमेज के साथ बहुत अच्छा खेला, तो उस देश का नाम है स्पेन, जो कि ये भी विश्व विजेता रह चुकी है। तो बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड का पुरस्कार किसे दिया गया, सबसे अच्छा खेली, साफ सुथरा खेली स्पेन। इसको कोई भी येलो कार्ड दे दिया जाता है कि अगर कोई गलती करता है तो इससे सबसे कम येलो कार्ड मिले, तो येलो कार्ड कम मिले इसीलिए इसको सबसे नॉमिनेट किया गया बेस्ट फेयर प्ले अवार्ड के लिए। तो सबसे साफ सुथरा खेलने वाला टीम था स्पेन, जिसे क्यों अगर बेस्ट फेयर प्ले बोला गया, अवार्ड दिया गया, क्योंकि येलो कार्ड सबसे कम इसको मिले, बहुत साफ सुथरा खेली। क्वेश्चन पूछ, अच्छा ये क्वेश्चन पूछेगा, स्पेन 2010 की वर्ल्ड कप विजेता भी रह चुकी है, स्पेन 2010 की विश्व विजेता भी वर्ल्ड कप जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाएगा फाइनल में मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसे आता है, तो एंटोनियो ग्रीजमैन, जो कि बहुत ही फेमस हो गए इस बार, तो फाइनल के सबसे मेन होता है फाइनल, तो इस बार का फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो मैन ऑफ द मैच एंटोनियो ग्रीजमैन, जो कि किस देश के होंगे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा किस देश के होंगे, फ्रांस के। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इस बार का फीफा विश्व कप खेला गया, उसका मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच था एंटोनियो ग्रीजमैन, जो किस देश के थे, फ्रांस के। नेक्स्ट समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, पहला मैच जो था, पहला मैच किसके और किसके बीच में खेला गया, तो रूस का से किसे के साथ खेला गया, रूस का सऊदी अरब के साथ खेला गया, तो रूस वैसे सऊदी अरबिया था। तो पहला जो मैच खेला गया फीफा विश्व कप 2018 का, रूस से किससे खेला गया, सऊदी अरबिया, तो रूस और सऊदी अरबिया के बीच खेला गया, जिसमें रूस जीता, रूस क्या हो गया, जीत गया, और सऊदी अरब हार गया, और इसने 5-0 से हराया बहुत बुरी तरह से। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने हराया, रूस ने हराया, किसको हराया, सऊदी अरबिया। पहला मैच किसके बीच में खेला गया, रूस और सऊदी अरबिया के बीच में, कितने 0 से हराया, 5-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ब्राज़ील दिख रहा होगा, ब्राज़ील यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जर्मनी इटली लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रांस उरुग्वे अर्जेंटीना लिखा है, तो यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन, तो उस टीम का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अब तक 5 बार विश्व कप जीत चुकी है, 5 बार विश्व कप जीत चुकी है। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी टीम है जो जिसने अभी तक 4-4 बार जीता है वर्ल्ड कप, तो जर्मनी ने भी अभी तक 4 बार जीता है, और इटली ने भी अभी तक 4 बार, दोनों ने जीत लिया है। तो ब्राज़ील ने कितनी बार जीता, 5 बार वर्ल्ड कप जीता, जर्मनी ने कितनी बार जीता, और इटली ने कितनी बार जीता, 4 बार जीता। अब फ्रांस को मैंने बता ही दिया है, फ्रांस को बताया था, फ्रांस अभी 2018 में इस बार का जीता है, इसके साथ साथ फ्रांस को मैंने बताया था, फ्रांस 1998 में भी जीता था, ये फ्रांस 1998 में जीता था, यानी फ्रांस भी 2 बार जीता है, उरुग्वे भी बता ही दिया मैंने, उरुग्वे 2 बार जीता है, और अर्जेंटीना भी 2 बार जीता है। तो फ्रांस बोल दीजिए, चाहे उरुग्वे बोल दीजिए, चाहे अर्जेंटीना बोल दीजिए, दोनों ने 2-2 बार जीता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन और पूछाएगा, इस बार की कौन सी विश्व विजेता टीम थी जो अभी तक इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्वालिफाई का मतलब पहुँच ही नहीं पाई वर्ल्ड कप में, तो उस टीम का नाम था इटली, जो देख लीजिए इटली कितनी बार वर्ल्ड कप जीते थे, 4 बार, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये टॉपिक, ये लेक्चर मैंने कोशिश की है इसमें, तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टडी फॉर ऑल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आप राइट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा। श्योर है कि एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछा बचा होगा, मैं पार्ट सेकंड में थोड़ा ही सा बचा होगा जो भी, मैं अगर होगा तो मैं उसको इंपॉर्टेंट लगेगा, मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।